हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी 2024 में एकदम फोड़ देना है। 450+ लाना है, ठीक है ना। तो एग्जाम की तैयारी बेस्ट कीजिए। डीएस प्लेटफॉर्म हमेशा आपको मदद करेगा आपको एग्जाम की तैयारी कराने में। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म, आप सभी 10th स्टूडेंटों का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग आज बेसिक जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है ना। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। आज इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति नाम सुनते ही आपको पता चल जाता होगा कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। आइए देखते हैं एक एक करके त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम तीन कोणों के माप और तीन भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये मेरा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। चलिए यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इधर पेन, ठीक है, यहां से सेलेक्ट कर। ये त्रिकोणमिति है, क्या है, त्रिकोणमिति। जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, है ना। तीन, त्रि मतलब तीन, ठीक है। कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, ठीक है ना। यहाँ क्लियर हो रहा है, तीन कोण माप। अब भाई ये तीन कोण और तीन भुजा किसमें होता है, तो त्रिभुज में होता है। यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों की अध्ययन मतलब स्टडी की जाती है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आइए एक एक करके इसमें देखते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। ये त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप का अध्ययन करेंगे या तीन भुजाओं के माप का अध्ययन करेंगे तो हम उसको त्रिकोणमिति किसके अंडर करेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है ना। ओके, बढ़ू नेक्स्ट। यहां ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं इसको त्रिकोणमिति। तो भाई त्रिभुज, त्रिभुज पता है क्या चीज होता है, तीन भुजाओं किसमें होती है और तीन कोण किसमें, त्रिभुज में। तो त्रिभुज ये तीन तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। यह एक भुजा हुआ, ये दो भुजा हुआ, ये तीन भुजा हुआ। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। इतना पता है आप लोगों को, चलिए इतना पता है। तो त्रिभुज में भुज, आपको क्लासिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो त्रिभुज को एक भुजा के आधार पर बांटते हैं, भुजा के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर किसका, त्रिभुज का प्रकार, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं भुजा के आधार पर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और सी है। तो ये कोण, सॉरी, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है ना। ये तीनों भुजा बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसको कहते हैं हम, इसको समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं जी, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। कोई तीन गो भुजा, वो इसमें से तीनों भुजा में से कोई बराबर ना हो, जैसे ये ए बी सी नाम दे दिए, इसमें से कोई भी भुजा, ये देखिए, ये दो गो भुजा बराबर था, ये भुजा बराबर नहीं था, ठीक है ना। इसमें देखिए कोई भी भुजा आपका बराबर नहीं हो रहा है, तो वैसे इसमें मतलब इसमें दो पाई है, इसमें तीन पाई है और इसमें कितना पाई है जी, एक पाई है। तो यानी कोई भुजा बराबर ना हो तो इसको हम कहते हैं विषम बाहु। इसको क्या कहते हैं जी, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं समबाहु, क्योंकि इसके तीनों भुजा बराबर हो रहे हैं, इसमें दो को भुजा आपस में बराबर हो गए, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पढ़े थे भुजा के आधार पर, लेकिन इसमें से हमारा, इसमें से इस त्रिभुज के बारे में हमको त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ना है, हमको कोण के आधार पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम आते हैं, ठीक 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 ओके।
अब कहाँ आएंगे हम जी, किसके आधार पर? ये भुजा के आधार पर हो गया था, अब हम कोण के आधार पर आएंगे। क्या जी? कोण के आधार पर, ठीक है ना, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो आप जरा बताइए ये किस, ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, कोण के आधार पर बताना है जरा मेरे बाबू, ध्यान से कोण के आधार पर बताना है, ठीक है ना। और ये कौन सा त्रिभुज है भाई, ये कौन सा त्रिभुज है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जरा बताएंगे कौन सा त्रिभुज है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, आप देखिए कोण के आधार पर। तो इसमें देखिए एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण है, क्या है, समकोण। और इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण है, क्या है जी, न्यून कोण। और इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको हम कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। इतना क्लियर है? ये जो हमारा, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक मिनट हो गया, यहाँ से इसको पेन हम सेलेक्ट कर लें, पेन पेन पेन, यहाँ इसके इसका पेन है। ये जो आपको दिख रहा है ये राइट एंगल है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। और हमको त्रिकोणमिति में इसी पर आधारित क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, समकोण के बारे में, ठीक है, इसके पूरे खानदान के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। क्लियर है इतना? ओके, इतना क्लियर है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया, अब ये आपको पता चल गया है कि ये समकोण है, ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है, तो हमको किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आइए इसके बारे में डिटेल हम जानते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है, ओके। ये जो आपको बना रहे हैं यहाँ, ये कौन सा त्रिभुज है भाई, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए ए, इस शीर्ष को बी, इसको सी, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ यदि मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएंगे, कर्ण, और इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, और ये मेरा क्या होता है, आधार, ठीक है ना। कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनियस, क्या जी, हाइपोटेनियस, और लंब का ओपोजिट, और इसका एडजस्टमेंट, एडजेसेंट, ठीक है ना, तो ये मेरा आधार होता है, ठीक। तो इसमें एक खास संबंध होता है, ये जो कर्ण है ना, कर्ण जो है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण जो भुजा होता है ना, इन लंब इसका स्क्वायर करिए इस भुजा का और इस भुजा का स्क्वायर की, ये अकेले स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कर्ण बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है ना। यदि सिर्फ मैं कर्ण निकालू, कर्ण तो ये होता है रूट अंडर, इधर से स्क्वायर हट के इधर क्या होता है, इधर आकर रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब यदि मैं लंब की बात करूँ, लंब, तो ये रूट अंडर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं बात करूँ किसका, आधार का, तो ये हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्ण की बात था तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो रहा था, यहाँ लंब की बात हुआ तो कर्ण में से आधार को घटाया गया, याद रखिएगा, ध्यान रहेगा तभी याद रहेगा। आधार की बात किया मैं तो कर्ण में से क्या घटा, लंब घटा, तो इस तरह आप लोग इसको याद रखिएगा, बिना इसके नहीं बनेगा भाई, ये जोरन है, दूध में जोरन पड़ेगा तो ही आपका दही जमेगा, उसी प्रकार ये जोरन है, इसके बिना नहीं त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगा, ठीक है, ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा, ओके। इसको हम सेलेक्ट करके साइड में करते हैं, ठीक है ना, चलिए इसको हम साइड में करते हैं, एक मिनट भाई, तुम कहाँ चल रहे हो, तुम यहीं रहो, ओके, यहाँ साइड कर दिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो हमका हमारा इतना हो गया। अब आता है ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज,
ये हमारा ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है मेरा, तो एक बार कर्ण, ठीक है ना, कर्ण ये मेरा लंब होता है और ये आधार, कब, जब हमारा साइन मतलब यहाँ को इस कोण की, एक्स कोण की बात कर रहे हैं, तो ये कर्ण हो रहे हैं, ये लंब इसके सामने वाला। यदि मैं इस कोण की बात करूं तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये जो एडजेसेंट दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा अपोजिट, और ये हो जाएंगे आधार, और कोण नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है? जब हम मैं बात करूं इस कोण का, तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, सामने वाला हो जाता है लंब, और ये आधार और ये कोण नहीं चेंज होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या चीज जी? त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं? तो ये जो कोण है ना, सॉरी ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, तो इसके भुजा के अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए एक बार, जैसे लंब बटा कोण, ये लंब है, एक लंब किसे, कोण से कंपेयर करेंगे, इस लंब को कोण से एक बार अनुपात निकालेंगे, लंब बटा, जैसे मैं लिखू लंब बटा कोण, तो इसको क्या बोल देते हैं, साइन, इसको क्या बोल देते हैं, साइन। इसी तरह आप देखिएगा तो छ, एक बार इससे कंपेयर किए, फिर आपका लंब बटा एक बार आधार कंपेयर करिए, ठीक है ना, फिर कोण बटा आधार करिए, फिर कोण बटा लंब करिए, तो इस तरह आप कंपेयर करिएगा तो 6 अनुपात बनेगा आपका, एक त्रिभुज का कितना अनुपात बनेगा, 6। उसी 6 अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन से कॉट कॉसेक, ठीक है ना, ये कहते हैं कौन से, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है जी, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो जाता है, 6। क्लियर है इतना? अब इसको हम मिटकाते हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं भाई, साइन कमा कॉस कमा टेन कमा कॉट कमा सेक, साइन कॉस टेन कमा सेक कमा कॉसेक कमा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना, ठीक है ना, तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए इसको, ये साइन किसका होता है, लंब बटा कर्ण किससे कंपेयर होता है, इसका कौन से भुजा अनुपात होता है, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है, लाल बटा काका, लाल बटा काका, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये यहाँ बैठेगा साइन, यहाँ बैठेगा कॉस, ठीक है, यहाँ बैठेगा टेन, तो साइन का हो जाएगा लंब बटा कोण, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण, और कॉस का हो जाएगा आधार बटा कोण, किसका, साइन का हो गया, और कॉस का हो जाएगा आधार बटा कोण, ठीक है ना। इसी तरह टेन का हो जाएगा लंब, एल से लंब, ए से आधार, ठीक है ना, तो टेन का हो जाएगा लंब बटा कितना, आधार, इतना क्लियर है, लंब बटा क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है कौशिक, यहां लिखेंगे कौशिक, यहां लिखेंगे सेक, यहां लिखेंगे कॉट, ये जो मतलब ये लगातार जैसे लिखे हैं ना, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, तो ये लगातार श्रेणी को याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये सुटेबल आपको इस ट्रिक पर काम करेगा। अब कौशिक की बात आई तो कौशिक का हो जाएगा कोण के उल्टा, पढ़िए के से कोण आ एल से लंब, अब देखो नीचे से ऊपर जाना है, के से कोण आ एल से लंब, यानी कोण बटा लंब, आ सेक में आइए तो सेक में क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब, ये क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब, इतना क्लियर है इतना। अब आइएगा कॉट में, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा आधार बटा, आधार बटा कौन सी, लंब, इतना याद हो जाएगा, ये अनुपात होता है, ठीक है ना। जब हम आधार और लंब, ये मेरा क्या है आधार और ये मेरा क्या है लंब, जब इसके हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं है, जरा हमको बताइए। और इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, या आप कॉपी किताब लेकर बैठे हैं तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? बोलिए जल्दी बोलिए, क्लियर है, बढ़ू आगे, ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे त्रिभुज पर, ठीक है ना। चलिए आते हैं, आते हैं, क्वेश्चन है, चलिए ये एक आपके सामने मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ए बी
बी सी, और यहां लिख दे रहा हूं पांच, सॉरी पांच यहां लिख दे रहा हूं और यहां लिख रहा हूं चार, यहां लिख दे रहा हूं चार, यानी ये मान चार है, इसका मान कितना है, पांच है भाई, और इसका मान दे रहे हैं तीन। ध्यान दीजिएगा, इधर मैं बोलूं कि भैया साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा लाल बटा काका को याद रखिएगा तो ही बनेगा आपका लाल बटा काका। तो साइन यहाँ होता है लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण यहाँ से इसका मान भरिए, लंब कितना है, साइन ए की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, लंब आपका ये है चार है, ये लंब होगा कि ये होगा, कौन होगा भाई, ये तो होगा नहीं कभी, ये तो कभी हमारा लंब ये होगा नहीं, काहे नहीं होगा, कहोगे सर यही तो लंब है, तो ए बाबू ये नहीं, मैं साइन ए की बात किया हूँ, तो इस कोण की मैं बात किया हूँ, इस कोण की, तो जब इस कोण की बात किया हूँ तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, इसके सामने वाला लंब हो जाता है, यानी लंब कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री है ना इसका मान, ठीक है ना, तो थ्री हो जाता है, लंब कितना हो जाता है जी, थ्री, और कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वही पांच रहेगा, क्लियर है इतना। मैं बोल दूं कि भैया टेन सी का मान बताइए, तो टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब अब बटा आधार, अब बात किस पर चली है, टेन सी पर, तो सी ये इस कोण की है, इसको फिर से हम यहाँ बना देते हैं, वही त्रिभुज को यहाँ बनाते हैं समझाने के लिए, ये टेन सी है, तो ये मेरा लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब, तो इसका मान कितना दिया है, यहाँ से बताइएगा इसका मान कितना दिया है जी, इसका मान चार दिया है, तो ये टेन सी का तो लंब हमारा चार हो जाएगा, ये पांच ये तीन है, तो टेन सी बोला है, तो सी कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब का मान चार और आधार का मान वही तीन भरेंगे, आंसर समझ में आ रहा है, इतना चीज, यही हमारा बेसिक था, इसको आप यदि याद कर लीजिएगा तो कोई सा भी आप 8.1 एकदम फोड़ दीजिएगा, एक्सरसाइज 8.1 अपने खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी कल हम इसका वीडियो बनाएंगे, 8.1 के टोटल क्वेश्चन कराने कोशिश करेंगे कि आपको बता दूं, ठीक है ना, ओके, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।